ईटीवी के तमाम नाज़रीनो सामईन अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। ओज बिन अनक। जी हाँ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है ओज बिन अनक। तूफान नूह में बचने वाला शख्स ओज बिन अनक दुनिया का लंबा तरीन इंसान था। तूफान नूह में ओज बिन अनक के अलावा कोई भी गर्क होने से ना बच सका था, सिवाय उन लोगों के जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे। नाज़रीन, ओज बिन अनक की निजात का सबब ये था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत थी, मगर इसको उठा कर लाना मुमकिन न था। ओज बिन अनक वो लकड़ी शाम से उठा कर लाया था। अल्लाह ताला ने इसके अमल को कबूल किया और इसे गर्क होने से निजात दी। फिरौन के दरिया नील में गर्क होने के कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम लोगों को निकाल दो और खुदा की राह में दुश्मनों से जहाद करो और अपनी कौम में से 12 अफराद को 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर करो ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते रहें। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के साथ जब कनान के मकाम पर पहुंचे तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहां के जालिम लोगों के हालात मालूम करें। नाज़रीन, जब ये लोग वहां पहुंचे और वहां के हालात मालूम किए तो उन्होंने वहां एक बड़े कदो कामत वाला इंसान देखा जिसका नाम ओज बिन अनक था। ओज बिन अनक आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा। इसकी उम्र 3500 साल थी। नाज़रीन, ये शख्स अपने तवील कदो कामत की वजह से समंदर में खड़ा होता तो पानी इसके टखनों तक होता था। ओज बिन अनक समंदर से मछलियाँ पकड़ कर आसमान की तरफ करता, सूरज की तपिश से ये मछलियाँ भून कर खाता था। जब ओज बिन अनक ने इन सरदारों को देखा तो उनसे मालूम किया, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? इन सरदारों ने जब उसे अपना हाल बयान किया तो उसने इन सब को पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। ये कहकर उन्हें जमीन पर रख दिया और उन्हें चूंटी की तरह पांव से मसलने लगा। तो उसकी बीवी ने कहा, इनको छोड़ दो, ये तो कमजोर लोग हैं, खुद बखुद चले जाएंगे। वापस आकर उन्होंने मुल्क शाम की सारी बातें और दुश्मन की कुव्वत के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया और बयान किया कि वहां के फल बहुत बड़े हैं। तो नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों से कहा कि ये बातें अपनी कौम के लोगों को मत बताना कि दुश्मन की कुव्वत कितनी है, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुजदिल हैं और जहाद से भाग जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे, बाकी 10 सरदारों ने अहद शिकनी की और कौम के लोगों को ओज बिन अनक की कुव्वत के बारे में बताया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ये सारा वाक्या सुना तो डर कर जहाद से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ लोगों, तुम जहाद से मत घबराओ और जहाद से मत भागो, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 सरदार जो अपने वादे पर कायम थे वो भी अपनी कौम से कहने लगे, ए कौम, ठहर जाओ और जहाद करो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो तो उस पर भरोसा क्यों नहीं करते? लेकिन कौम ने कहा कि हम सारी उम्र वहां नहीं जाएंगे, ए मूसा, तू जान और तेरा रब दोनों जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे गुस्सा होकर उनके लिए अल्लाह ताला से बद्दुआ की, जिसकी वजह से शाम की फतह में 40 साल की ताखीर हुई और इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे।
दूसरी जानिब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में अपना असा लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हमरा मुल्क शाम रवाना हो गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बागी कौम ने बनी इसराइल ने वापस मिस्र जाने का इरादा किया। तमाम रात चलते रहे मगर जब सुबह हुई तो देखा कि जहां से रवाना हुए थे अब तक वहीं पर मौजूद हैं। नाज़रीनो सामईन, बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बददुआ से 40 साल तक उस जगह से ना निकल सके। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ओज बिन अनक के शहर के नज़दीक पहुंचे तो लोगों की हैबतनाक शक्लें देखकर डरे और अल्लाह की मदद मांगकर आगे बढ़े। जब ओज बिन अनक ने उनको देखा तो चाहा कि पकड़कर चूंटी की तरह मसल दे और कहने लगा कि तू बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फिरौन को उसकी फौज के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 70 फुट था और उन्होंने 70 फुट उछलकर अपना असा, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर था, ओज बिन अनक के टखने पर मारा जिससे वो गिरकर हलाक हो गया। नाज़रीन, कहा जाता है कि ओज बिन अनक की लाश 40 साल तक वहीं पर पड़ी रही। इस अरसा में उसका जिस्म गल गया था और सिर्फ ढांचा रह गया था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून जहाज से सुरखुरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसे तक वो ढांचा दरिया नील पर पुल का काम देता रहा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ETV को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।